Oh wow! फर्स्ट डे है बट हम लोग एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। देखी 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 मुख तो देखी एक बार तो चिंपू मुख तो देखी यही देवे चिंपू देखी 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 जा ऐ देखो तुम्हार बैग टा की होलो देखो आज स्पेशल डे है तो थोड़ा स्पेशल होना चाहिए खाना भी मम्मी तो डेली बनाती है आज डैड बनाएंगे मतलब हो भी गया है ये देखिए कंप्लीटेड एकदम एकदम कंप्लीटेड तो बस अब तैयारी हो रही है फर्स्ट डे स्कूल का चिंपू का छोटो मानी से छोटो ब्रास कहा स्कूल में स्कूल तो आज चिंपू का फर्स्ट डे चंपक का तो नहीं है चंपक तो पुराना है चिंपू अभी रेडी हो रही है और उसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं और मेरी बहन एक ही स्कूल में भाई और मजा आ गया बिल्कुल बिल्कुल तो अभी चंपक को मैं ड्रॉप करके फिर बैक आ जाऊंगा घर पे और फिर चिंपू को लेके जाऊंगा आज फर्स्ट डे जब मैं चिंपू से मिलने जाऊंगी तो तब थोड़ा सा सीढ़ी ऊपर नीचे करना पड़ेगा मतलब इनका है फोर्थ फ्लोर है ना मेरा थर्ड थर्ड फ्लोर में और चिंपू का है शायद फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में अब थोड़ा सा तो ऐसा होगा अब ये तो बोलेंगे मैं सोच रही हूं कि लंच ही लेके चली जाऊं अच्छा लंच लेके लंच पीरियड में इन लोगों का भी डिस्कशन होगा आपस में चिट चैट वो तो होगा ही मेरी बहन है और आरना है ना वो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड है हां आरना बोल रही है कि कब चिंपू आएगी कब चिंपू ना व्यांसी ना व्यांसी उसको पता है उसका मतलब हम उसको घर में चिंपू बोलते हैं उसको पता है ये चलिए तो वेट कर रहे हैं अभी चंपक का बस आ जाएगा फिर घर जाके चिंपू अभी रेडी हो रही है और उसको लेके चलेंगे क्योंकि आज उसको बस में नहीं ड्रॉप करूंगा मैं मैम ने आज उसका फर्स्ट डे है ना इसलिए वो रिसेप्शन में मम्मी पापा ड्रॉप हाँ मैम ने बताया कि फर्स्ट डे है सर तो आप लोग ही लेके आइएगा क्योंकि फर्स्ट डे में थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं कंफर्टेबल हो रही कि नहीं हो रहे और उसके बाद देखते हैं चिंपू कंफर्टेबल हो गई तो आने के समय मेरे साथ ही हाँ बिल्कुल फिर आने के टाइम बस में आएगी अगर कंफर्टेबल नहीं हो रही है फर्स्ट डे में तो फिर हम लोग जाएंगे पिकअप करने के लिए सो ये एज़ यूज़ुअल हमारे घर का ट्रेडिशन कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं अच्छे काम के लिए बड़ा काम के लिए तो हल्दी और दही का टीका तो देखिए श्रेया लगा रही है चिंपू को टीका और फिर से वही घर का ट्रेडिशन बड़े का पैर छूना आशीर्वाद लेना तो ये देखिए चिंपू एकदम एक्साइटेड है आज के लिए और ये देखिए श्रेया उनके कान में कुछ बोल रही कि ऐसे ऐसे मत करना ये करना वो करना चिंपू का आराम से बोसिए तब आराम से बसो हाँ क्लीन क्लीन अच्छे बसो मार खीरा नहीं हाँ
आज भले ही फर्स्ट डे है बट हम एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं। एक्सपीरियंस पेरेंट्स, बिल्कुल 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग बिल्कुल लेट नहीं है, एकदम ऑन टाइम। तो यहाँ चिंपू बैठ गई है। मम्मम, आर यू एक्साइटेड? हेलो, यस। तो चिंपू एक्साइटेड है और इससे भी ज्यादा एक्साइटेड इनकी दीदी। वो वेट कर रही है स्कूल में, बोली कि लंच में हम लोग एक साथ लंच करेंगे आज। और दीदी ने ऑलरेडी बहन को सारे मतलब पूरा पॉपुलर बना दिया है। टीचर से लेके सारे स्टूडेंट सब पूछ रहे हैं, जैसे बस मैम भी बोल रही है आज छोटी नहीं आई तो कल से आएगी छोटी। बिल्कुल, उनका सेक्शन भी पता है, उन्होंने बोला कि हाँ ये सेक्शन वाला, हाँ मैडम यही सेक्शन है। और स्कूल में चौंपोक की फ्रेंड्स भी मतलब एक्साइटेड है कि चिंपू कब आ रही है स्कूल। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे स्कूल पे और दिखाते रहते हैं कैसे कैसे क्या होता है। चलिए साथ में बने रहिए, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। Now we feel like happy parents. एकदम happy parents. तो ए ना बंगाली थे, बंगाली में वो स्टार्ट कर दिया इन्होंने, कोई नहीं। तो अभी जस्ट छोड़ के आई हूँ बेटी को क्लास में, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा टेंशन में थे कि शायद रोएगी बट नहीं, बिल्कुल एकदम ओके है, कोई नहीं। और ऐसा है कि मैम 11:30 पे हम कॉल करेंगे, तो मैम ने बोला था कि एक बार आप कॉल कर लेना क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो हम ही ड्रॉप एंड पिक मतलब पिक एंड ड्रॉप हम करेंगे। बट मेरी छोटी बेटी कम्फर्टेबल है दीदी के साथ बस में, कह रही हूँ वो बस में जाएंगे। और उससे पहले एक ब्रेक टाइमिंग है ना, तो उनकी दीदी जो है ना वो सेट कर लेगी कि तू मेरे साथ जाना आज, है ना बस में। तो ऊपर दीदी है, नीचे बहन है। तो उनका आपस में अभी सेटिंग चल जाएगा, ब्रेक के टाइम में जब मैं लेके जाऊंगा और आरना दीदी भी देखेगी। तो मतलब मेरी बड़ी बेटी का बहुत सारे फ्रेंड्स है ना, ऑलरेडी चिंपू को पॉपुलर बना के रखी है बड़ी बेटी ने, तो सारे फ्रेंड्स मिलने के लिए कि हाँ तुम्हारी सिस्टर से मिलना है क्योंकि मेरा कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो तुम्हारे सिस्टर से मिलना है। पॉपुलर हो चुकी है, बस मैम भी पूछ रही थी कि आज छोटी बेटी नहीं आई है, तो पॉपुलर हो चुकी है पहले, और बड़ी उनके दीदी ने ना उनको पॉपुलर कर दिया पहले से। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है, बस दोनों बच्ची हमारे अच्छे से बड़े हो जाए, यही चाहते हैं हम। तो चौंपक तो सेट हो गई है, चिंपू भी हो जाएगी थोड़ी दिन में। तो चलिए जो भी होगा हमारे लाइफ का अच्छे अच्छे मोमेंट सारा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ये शेयर करने का 2 पर्पस है फ्रेंड्स, एक तो है कि हमें अच्छा लगता है वीडियोस क्रिएट करना, और हमें क्यों अच्छा लगता है क्योंकि हमारे मेमोरीज बन जाते हैं, इस तरह से हम कहीं पर भी रख नहीं सकते। यूट्यूब है सच में, यूट्यूब सबके लिए ब्लेसिंग्स है, जो वीडियो क्रिएटर है ना उन सबके लिए ब्लेसिंग्स है। तो थैंक यू, आप लोग भी बहुत सारा प्यार हमें दिखाते हो, प्यार देते हो, तभी हम लोग ये करते हैं इतना एनर्जी के साथ। बस अब जब भी छुट्टी होगा तो बहुत सारे चीज पता चलेगा, स्कूल में ये हुआ, वो रो रही थी, उन्होंने ये कर दिया। तो अभी छोटी बेटी का आज थोड़ा सा कंप्लेंट रहेगा ऐसे वैसे। ना प्ले में भी जब जाती थी ना, उसका थोड़ा कंप्लेंट रहता था कि आज इसने ये किया, उसने वो किया, डैड पता है मैंने कुछ नहीं किया। और बड़ी बेटी ऐसा नहीं है, मतलब उसको अगर कुछ दिखेगा भी तो वो वाला बात नहीं करेगी, लेकिन छोटी थोड़ा सा मतलब वो देखेगी तो वो बोलेगी आके। बिल्कुल, और एज यूजुअल जैसे बताया था कि वो सेटिंग होगी आपस में उन दोनों का, तो बस में ही आ रही है दोनों। हाँ हाँ हाँ। ये होना ही था। चलो तो हम लोग अभी जा रहे गाड़ी से लेने वहाँ पर, क्योंकि भीग जाएंगे नहीं तो। सो ये हम लोग बारिश में निकल गए और अमेजिंग, मतलब वेदर बहुत बढ़िया, और आज फर्स्ट डे और बारिश और यहाँ पर बस आ गई है,
श्रेया लेने गई है दोनों को। और ये देखिए मैं गाड़ी से ले रहा हूँ, गाड़ी का शीशा खोल दिया, गाड़ी भीग गया आधा। चौंपक चौंपक बताइए अन्ना दीदी ने क्या कहा? अन्ना दीदी ने देख के कहा कि काश मेरी भी ऐसी एक छोटी सी बहन होती। तो चिंपू सबकी बहन है ना? आज के मैं सब इतना एक्साइटेड मैंने देख छे। अन्ना क्यों बोल रहे देखे? काश मेरी भी ऐसी बहन होती। गाड़ी को एकदम गेट के सामने ही लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो हम वैसे ही वो भीग चुके हैं और भीग जाएंगे। तो सर यहाँ पर रोक लिए, बस चलिए चलिए। अरे आज तो पूरा एकदम पानी पानी हो गई। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ दोनों बेटी को लंच कराने, क्योंकि लंच करके फिर सो जाएगी थोड़ा सा। चौंपक का तो ट्यूशन मैम आएगी 3 बजे, चिंपू का वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन आज से तो घर पे थोड़ा पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना। इतना दिन तक छूट मिला था, मतलब जब मन तब पढ़ती थी, बट आज से थोड़ा सा हैबिट बनाऊंगी कि इवनिंग को थोड़ा सा मैं और सर दोनों लेके इसको बैठ जाए। चिंपू कम ऑन, भला स्कूल है। वाह वाह वाह। चिंपू का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग के साथ अपना लाइफ शेयर करते रहेंगे, और इसी तरीके से हम लोगों का ये सफ़र चलता रहेगा। सो बहुत ही जल्द मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।